सो न होए बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर। तो ये पवित्र मन हो जाए तो कैसे होगा, बोले पहले मन पवित्र हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनऊ रघुवर बिमल जस। मैं राम जी के पवित्र यश का वर्णन करना चाहता हूँ, इसलिए श्री हनुमान जी मेरा मन निर्मल कर दो। किसी ने पूछा क्यों करना चाहे, तो क्या फायदा है? आजकल तो बड़ी कठिनाई है, बिना फायदे के आदमी कुछ करता ही नहीं है। किसी से कहो भजन करो, करें तो क्या फायदा? अच्छा बहुत सी चीजें हैं। एक आदमी ने हमसे बार बार कहा, बहुत तंबाकू गुटखा खाते थे, बार बार मुंह भर ले, फिर कहें आप भजन की कहे तो क्या फायदा? बोले आप जब जब भजन की कहे तो हमें तो बड़ी परेशानी लगती, करें क्या फायदा? हमने कहा अच्छा एक बात बता दो, तुम ये बार बार तंबाकू गुटखा खाते हो, इससे क्या फायदा? सो बोले कह तो ठीक रहे, फायदा तो कुछ नहीं। हमने कहा फिर क्यों? बोले आदत पड़ गई। तो हमने कहा कि बिना फायदे के ये खा सकते हो, बिना फायदे की सोचे ये सड़ी गली चीज खा सकते हो, तो क्या भगवान का भजन बिना फायदे की सोचे नहीं कर सकते हो? छोड़ो फायदे की मत सोचो, तुम तो भजन करो, और जिस दिन इसमें रस आ जाएगा उस दिन फायदे की नहीं सोचोगे, भजन किए बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि फायदा होगा नहीं, जरूर होगा, लेकिन फायदे की तरफ मन मत ले जा। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप राम जी का विमल यश गा रहे हैं, क्या फायदा, क्या मिलेगा? तुलसीदास जी बोले क्या नहीं मिलेगा, जो दायक फल चार, ये चार फल प्रदान करेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम जी का चरित्र गाने वाला, देखो जब व्यक्ति बोलता है ना, दिमाग से बोलता है, कोई बात कहता विचार दिमाग से, लेकिन जब कोई गीत गाता है तो दिल से। यह गीत हृदय के अधिक समीप है, विचार बुद्धि के समीप है। तो जब कोई गाता है तो हृदय से, और मैं आपसे कहूं कि राम जी का गुण कोई हृदय से गाएगा, और जब हृदय राम जी के गुणों से भरा हुआ होगा, ऐसे आदमी के द्वारा अधर्म कभी हो ही नहीं सकता, जब होगा धर्म ही होगा। तो यह राम कथा का गाना और सुनना व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। धर्म अर्थ, भगवान के गुण गाने वाला सुनने वाला, उसके जीवन में अर्थ रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि भगवान नारायण है, और जो भगवान के गुण गाएगा, भगवान के चरण कहां आ जाएंगे? उसके हृदय में। ये यही कथई स्नेह समेता, कहीं ही सुनी ही समुझ सचेता, होई ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान के चरणों का अनुराग उसके मन में आ जाएगा, तो भगवान के चरण कहां आ जाएंगे? उसके हृदय में, उसके जीवन में। और जब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, लक्ष्मी जी को दुनिया भर में ढूंढो, कहां मिलेंगी? भगवान के चरणों में। भगवान नारायण के चरण दबाते हुए ही तो लक्ष्मी जी मिलती हैं। इसीलिए जो भगवान के गुण गाएगा उसका जीवन धर्ममय हो जाएगा, जो भगवान के गुण गाएगा सुनेगा और भगवान के चरण उसके मन में आ गए, तो भगवान के उन चरणों की सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी अर्थ बनकर उसके जीवन में आ जाएंगी। धर्म अर्थ।